नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना वायरस के कुछ संदिग्धों ने हंगामा किया था और इस हंगामे को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सिवान के रघुनाथपुर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहां पर जो संदिग्ध हैं उन्होंने हंगामा किया था और वहां जो स्टाफ थे उन पर पथराव भी किया था। बिहार सरकार ने अब इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इस मामले को लेकर सरकार सीएम नीतीश कुमार ने सिवान के डीएम और एसपी को एसपी की क्लास लगाई है। सिवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करने वाले कोरोना के संदिग्धों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इसके साथ इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिवान के क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करने वाले दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उनकी क्वारंटाइन अवधि खत्म होने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। तो अगर आप कोरोना वायरस को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है उसका विरोध कर रहे हैं और सिवान के रघुनाथपुर में जो हुआ, अगर जिस तरह से हंगामा किया गया, अगर उस तरह का हंगामा होगा तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। गंभीरता से लिया है सिवान मामले को बिहार सरकार ने। डीजीपी ने भी सख्त लहजे में चेताया है और कहा है कि सरकार के कदम उठाए गए कदमों के खिलाफ अगर कोई जाएगा, उसका कोई विरोध करेगा या फिर इस तरह की हरकत करेगा तो उसके साथ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी क्वारंटाइन अवधि खत्म होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर है, बड़ा मामला, बड़ी खबर है सिवान मामले से जुड़ी हुई। सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं और आज उन्होंने डीएमएसपी की क्लास लगाई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।